चले जी, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक सिंटैक्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हैं। शॉर्ट की जैसे यहाँ पर नज़र आ रही, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से भी जा सकते हैं। यहाँ फाइल पर आकर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मर्जी जाना चाहे। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने जावा और जावा एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर ये अपना लाइब्रेरीज बिल्ड करेगा। फर्स्ट टाइम जब कंपाइलर एडिटर ये आईडी चलता है तो उस वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे बेसिक इंट्रो लिख देता हूँ। इसको अब मैं फिनिश करता हूँ। तो यूं हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आ गया जी। हमारे पर लेफ्ट साइड पर इसकी हायरार्की नजर आती है। सोर्स के अंदर ये बेसिक इंट्रो और उसके अंदर ये हमारे पास जावा की क्लास बेसिक इंट्रो डॉट जावा ये मौजूद है। और यहाँ पर ये हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स है। इसमें अब पहले थोड़ी सी चीज़ें समझा दूँ, क्योंकि ये जो जावा है वो कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। अब इसमें हमारी ये जो लाइंस मौजूद है, दिस इज द पैकेज नेम। पैकेज नेम जनरली फिलहाल यूँ समझ लें कि हमारा एक फोल्डर नेम होता है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे बेसिक इंट्रो के नाम से मौजूद है। और अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करूँ तो वहाँ पर ये हमें नेट बीन्स प्रोजेक्ट, ये देखो बेसिक इंट्रो के नाम से हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो जनरली जब आईडी इस पर नेट बीन्स पर आप शुरू करते हैं तो क्लास नेम भी वही होता है, ठीक है। एक क्लास के अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कवर हुआ होता है। अब जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस मौजूद है वो ये कि हम लोग ये देखेंगे इस बेसिक सिंटेक्स में, हमें ये पता है सबसे पहले जो चलता है वो वॉइड मेन ही चलता है। इसमें हम सबसे पहले आउटपुट का फंक्शन देख लेते हैं। आउटपुट का फंक्शन हमारे पास होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको विंडो अपेयर कर देगा। इसमें जैसे हेलो जावा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको जब भी रन करना है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ये बॉटम पर देखिएगा, ये इसको बेसिक इंट्रो को रन करता है और ये यहाँ पर ये आ गया है हेलो जावा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेम लिख देते हैं, जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास। अब दो चीज़ें होती हैं इसी तो मैं लाइक एक और यही प्रिंट एलन दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। प्रिंट एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। अब ये दो बार है तो पहली बार न्यू लाइन पर प्रिंट करेगा, फिर अगली बार न्यू लाइन पर। और अगर हम लोग प्रिंट जस्ट लिखेंगे तो वो उसी लाइन पर ही रहेगा, मतलब पहली लाइन की प्रिंटिंग की, फिर उसके बाद अगली लाइन की अगली प्रिंटिंग की। सो एलन क्या करता है, अपनी चीज़ों की प्रिंट करके न्यू लाइन पर ले जाता है उसको। और अगर हमारे पास आप जस्ट प्रिंट लिखेंगे तो न्यू लाइन नहीं आएगी, हमें फिर खुद से उसको ऐड करनी पड़ेगी। सो इसलिए प्रिंट एलन। और इसमें एक और चीज़ को देख लीजिएगा, सिस्टम का एस कैपिटल है, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन मौजूद है। अब इसी तरीके से हमारे पास इसका इनपुट भी होता है। हमारा इनपुट के लिए हमें कुछ चीजें, सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर एक क्लास है जो क्या करती है, हमारे पास आपके इनपुट करने की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर जब वो क्लास बन गई तो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्कैनर सीन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम सिस्टम का एस कैपिटल डॉट आई एन, ठीक है, और इसको लगा देंगे सेमी कोलन। अभी जो सीन है ये एक ऑब्जेक्ट बना है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वो जनरली मैंने ओबीजे दे सकते हैं,
जनरली मैंने सी इन इसलिए दिया क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि सी इन एज ए इनपुट काम आता है ताकि हमें याद रहे। ठीक है, अब हमें पता है बेसिक हमारी कुछ डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर है, करेक्टर हमारे पास मौजूद है या स्ट्रिंग मौजूद है। इनके मैं कुछ इनपुट आउटपुट आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इनपुट कर सकते हैं। अब उस इनपुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइक एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ ताकि मैं आपको स्ट्रिंग इनपुट दिखा सकूँ। स्ट्रिंग नेम, ठीक है, सेमी कॉलन। अब इसको हमने इनपुट करना है, तो हमें सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर नेम। ओके, अगर प्रिंट लिखूंगा तो वो उसी लाइन पर सामने रहेगा, वरना वो नीचे आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है नेम, इसमें वैल्यू देनी। नेम इज इक्वल टू सी इन ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन इसका जो इनपुट करवाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट करवाता है। अब इसके बाद हमारे पास अगर मुझे इसका आउटपुट देना है स्क्रीन पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट जो वैल्यूज मुझे जो वेरिएबल में वैल्यूज आएंगी उसको हमें डायरेक्टली डबल कोटेशन में नहीं लिखनी है। डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी जाएगी वो एज इट इज, जैसे ये लिखा हो या एज इट इज डिस्प्ले होगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा कि वेरिएबल। अब इसका प्रोग्राम क्या हुआ कि हमने एक नेम इनपुट किया और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब लाइक मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर नेम प्लेसिंग पुराना, और जैसे मैं इंटर करता हूँ ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अगेन से रन कर देता हूँ, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ इन्फोसिस पीके, बिल्ड किया तो वो सामने नजर आ रहा है, ये इन्फोसिस है। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ ये नेम में लोड करेगा और फिर अगली लाइन पर हम लोग ने उसको डिस्प्ले किया हो, इसलिए ये हमें डिस्प्ले नजर आ रहा है। ठीक है, अगर प्रिंट एलन मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये देखिएगा, अभी फोकस कीजिएगा विल सक्सीड कहाँ पर है, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ वैल्यू इन्फोसिस पीके। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये सामने आपके मौजूद है, और वो देखें बिल्ड सक्सेड, क्योंकि प्रिंट एलन नहीं लिखा तो इसलिए बिल्ड सक्सेड उसी के सामने आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अगर मुझे करेक्टर वैल्यू लेनी पड़े तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, हम लोग करेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। मैं इसको ना एज ए सी एच ले लेता हूँ, वो फिर नेम का काउंट में थोड़ा सा। अब ये जो सी एच है ना ये एरर देगा, वो कहेगा ये स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे डॉट लगाएंगे और करेक्टर एट इंडेक्स ऑफ जीरो, ठीक है, इसको लेंगे और सी एच को डिस्प्ले कर देंगे, मतलब एक करेक्टर कोई भी। लाइक मैं यहाँ पर एक ए इनपुट करता हूँ वो ए डिस्प्ले हो गया, या हम लोग लाइक प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल, तो एक करेक्टर सिंगल वैल्यू आपको सिंगल कोटेशन में जब भी लेनी हो तो उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास मौजूद है वो हम लोग क्या करते हैं, अब एक बेसिक छोटा सा इंटीजर की वैल्यू सबसे पहले इनपुट करके देख लेते हैं। इस सारे को अरेंज कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप इंटीजर, मैं वैल्यू वन, वैल वन लिख देता हूँ, सेमी कॉलन। अब इसके बाद मुझे इनपुट करना है तो सिस्टम डॉट आउट के बाद देखिए मैंने जस्ट सिस्टम लिखा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली विंडो दे देता है, विंडो दे देगा। ये हमारे पास पहला मौजूद था, डबल कोटेशन हमें चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ Enter your value, ठीक है। अब मुझे इनपुट इंटीजर में रीड करना है तो वेल वन वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम जिससे हम इनपुट ले सकते हैं डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट, ठीक है। आप इसको डिस्प्ले कर देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में, हमें पता है कि हमें इसको पूरे को डबल कोटेशन को नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हम लोगों को वेरिएबल डिस्प्ले करना, वेरिएबल हमारा क्या है वैल वन, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, लाइक मैं कोई नंबर दे देता हूँ जे वैल्यू। अब ये देखो नहीं नीचे क्यों है, रीजन प्रिंट एल एन लगी हुई है, ठीक है, पिछले प्रोग्राम में जस्ट प्रिंट लगा हुआ था तो वो सामने ही इनपुट मांग रहा था, ठीक है, वो इनपुट की मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ठीक है, इस तरीके से बेसिक सी डाटा टाइप्स है जिसकी हम लोग इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ बेसिक एक दो प्रोग्राम्स हम लोग कर लेते हैं, तो बेसिक प्रोग्राम्स के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। ओके।
अल्लाह हाफिज़।